वेलकम बैक दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ कार एसेसरीज का एक नया वीडियो। दोस्तों, इससे पहले हमने कार मेंटेनेंस से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। दोस्तों, कार एसेसरीज का 5 से 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें बहुत ही सावधानी से एक एक सीरीज के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। अब बारी आ गई है एसेसरीज को रूबरू होने से। अभी तक वो एसेसरीज को हमने वर्बली बताया, अब टोटल एसेसरीज को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बाय पिक्चर इमेज के द्वारा समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप कार बिगनर है, अगर आपको ऑटोमोबाइल से जस्ट आप जुड़े हैं और बिल्कुल एसेसरीज का और कार का कोई भी पार्ट्स किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और अपना जो आपका नीड्स है उस नीड्स को पूरा करेंगे। तो चलिए हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार में जो सबसे पहला स्टेप आता है उसको जानते हैं, स्टीयरिंग के बारे में। स्टीयरिंग कार में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो ये स्टीयरिंग सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। जब आपको लेफ्ट टर्न करना हो या राइट टर्न करना हो या स्ट्रेट जाना हो, तो ये टोटल कंट्रोल स्टीयरिंग से ही होता है। ये टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप चाहे तो जिस तरह जिस वे में आप जाना चाहते हैं अपने स्टीयरिंग को टर्न कर ले, घुमा ले, आपको वो उस डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा। तो स्टीयरिंग के ऊपर जो आप कवर देख रहे हैं वो स्टीयरिंग कवर बोलते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो जान ले, स्टीयरिंग के साथ क्या इन बेल्ट आता है, स्टीयरिंग कवर आता है। साथ में ही स्टीयरिंग में ही आपको हॉर्न का सिस्टम दिया रहता है, जो कि जब भी आप चाहे तो या तो कभी अलग साइड में स्विच होगा, प्रेस करके दबाने वाला स्विच होगा, या साथ में जो फोटो में आप देख रहे हैं सामने में जो वो हॉर्न का उसमें सिस्टम दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से अपना हॉर्न को बजा सकते हैं। बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल में स्टीयरिंग में म्यूजिक कंट्रोल का सिस्टम भी दे दिया है, मिरर एडजस्टिंग का सिस्टम भी दिया है, डिफॉगर सिस्टम भी दिया है, बहुत सारा सिस्टम स्टीयरिंग में अभी दे दिया है। स्टीयरिंग के जस्ट नीचे वाला जो बॉक्स होता है उसको कॉम्बिनेशन बॉक्स बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्विच बोलते हैं। कॉम्बिनेशन स्विच, अगर ये टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, आपको अगर बता दे तो आप सब समझिए, हेडलाइट स्विच और वाइपर स्विच। हेडलाइट राइट साइड में होता है, जब आप कार में बैठते हैं तो राइट साइड में हेडलाइट और लेफ्ट साइड में वाइपर स्विच दिया रहता है। उस पर लिखा रहेगा, उस पर इंडिकेट किया रहेगा कि ये वाइपर का है और ये हेडलाइट का है। तो हेडलाइट का स्विच में क्या क्या सिस्टम देता है वो आपको हम बता दें। जब आप हेडलाइट स्विच को ऑन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको पार्किंग लाइट चलेगा, फिर डबल ऑन करते हैं तो उसमें हेडलाइट ऑन होगा, और फुल एंड डिम का भी उसी में सिस्टम दिया रहता है, डीपर करने का, और इसमें हेडलाइट का ही स्विच में दिया रहता है। इसी तरह से वाइपर में 4 तरह का सिस्टम दिया रहता है, एक लो पे चलने के लिए, उससे मीडियम पे चलने के लिए, उससे हाई पे चलने के लिए। जिस तरह से वाइपर का आपका रिक्वायरमेंट है, अगर हल्का बारिश हो रहा है तो लो पे करिए, उससे हल्का बारिश से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हाई पे कर लीजिए, और उससे ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उस पर फुल पे कर लीजिए। वाइपर में एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप जब भी कार को वाइपर यूज करते हैं तो आप वाइपर जो रिज़र्व बॉक्स बना रहता है उसमें उसके पानी के साथ शैम्पू मिक्स करना ना भूले। वो शैम्पू बहुत ही काम का आता है, वो आपको ग्लास को प्रोटेक्शन करता है, आपको स्मूथली रन करेगा, वो जब वाइपर चलाएंगे तो स्मूथली रन करेगा। आते हैं एक वन टाइम
हेडलाइट के स्विच में आपको एक और भी होता है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर सिस्टम। अगर वो स्विच को अपसाइड ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वो इंडिकेटर आपको राइट साइड के जलेगा, और नीचे की तरफ उठाते हैं तो लेफ्ट साइड का। आप देख लीजिए कि मॉडल आपका कौन सा है। कंट्री वाइज मॉडल बदल जाता है, इंडिया में कुछ और हो सकता है, फॉरेन कंट्री में कुछ और हो सकता है, और आप जिस कंट्री में है वहाँ पे कुछ और हो सकता है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हो सकता है स्विच का, यानी आप देखते होंगे कि कभी राइट साइड कहीं सीट रहता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ड्राइविंग सीट राइट साइड होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और लेफ्ट साइड रहता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हो सकता है जो स्विच का चेंजिंग हो सकता है, लेफ्ट राइट में आ सकता है, राइट लेफ्ट में चला जा सकता है। तो ये ध्यान में रखें, बस इतना जाने कि आप जब स्टेयरिंग पे आपने बैठा तो सबसे पहले आपको हैंड जिस पे रखे वो स्टेयरिंग कहलाया, सेकेंड उसमें हॉर्न आ गया, थर्ड जस उसके नीचे हो गया वो हेडलाइट के लिए हुआ और इंडिकेटर के हो गया, और दूसरा हो गया दूसरे साइड में उसमें वाइपर के लिए हो गया। वाइपर में बता दिया आपको चार तरह का हो गया, लो बीम, हाई बीम, मीडियम बीम, ये तीनों हो गया, ये लो वाइपर और मीडियम और हाई, और हेडलाइट में हो गया लो बीम और हाई बीम, इंडिकेटर लेफ्ट साइड इंडिकेटर, राइट साइड इंडिकेटर। उम्मीद है ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो तो फिर पूछ ले, अगर प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर पूछ ले, हाँ कमेंट करें और ज़रूर पूछ ले। लेटेस्ट मॉडल में अभी जो लेटेस्ट मॉडल आज और जो हाई रेंज का हाई मॉडल सब है, हाई क्वालिटी का, तो उसमें बहुत सारा कंट्रोलिंग सिस्टम स्टेयरिंग के अंदर दे दिया है। तो वो जब आप धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको खुद पता चलेगा। ऐसे भरवाली आपको बता दे कि उसमें म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल उसी में दे दिया है, मिरर का सिस्टम उसी में दिया है, ये टोटल सिस्टम आपका स्टेयरिंग में अभी आ रहा है, ठीक है। उसके जस्ट आपके सामने में चलते हैं तो उसको जो डिस्प्ले बोर्ड आता है उसको बोलते हैं डिस्प्ले बोर्ड बोलते हैं, जो कि टोटल कार से रिलेटेड होता है। जिस तरह से आपके बॉडी में थकान होता है, जिस तरह से आप ट्राई फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, उसी तरह से ये मैसेज आपको माइंड आपको बॉडी को देता है कि अभी तुम थके हुए हो, अभी तुम खुश हो, अभी जिस तरह से आपका एक्टिविटी होता उस तरह से आपका एक्शन होता है। इसी तरह से इसमें ये कार के लिए ये टोटल डिस्प्ले सिस्टम है, ये बोल तो नहीं सकता है लेकिन इंडिकेट कर सकता है, ये मैसेज दे सकता है। इसमें बोलने की कैपेसिटी नहीं है लेकिन बताने का डायरेक्शन या इंडिकेशन करने का कैपेसिटी जरूर कंपनी दिया, इंजीनियर दिया इसमें। तो इसमें डिफरेंट तरह का इसमें स्विच के माध्यम से, लाइट के माध्यम से और मीटर के माध्यम से ये कार आपको बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अगर इसको ऑयल की कमी होगा तो ये लाइट इंडिकेट करके बताएगा अभी मेरे कैपेसिटी से कम, अब भूख लग गया मेरे को ऑयल की ज़रूरत है। अगर ब्रेक ऑयल कम जाएगा तो उसका भी बताएगा कि मेरे ब्रेक फ्लूड का ज़रूरत है। कोई डोर खुला हुआ है तो वो बताएगा कि अभी मेरा ये लेफ्ट साइड का डोर खुला है, बॉनट खुला हुआ है, डिक्की खुला हुआ है, ये बताएगा। तो ये इंडिकेशन सिस्टम है आपका मीटर के अंदर, ये आपको इंडिकेट करके बताएगा। तो ये इंडिकेटर को आपको समझना होगा, कभी आपको कार ओवर हीट होगा तो उसको समझना हो तो बिल्कुल आप केयरफुल रहे, कोई किसी भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं करें। जब आपके मीटर के पास कोई भी लाइट जलते हुए दिखे तो आप उसको इग्नोर नहीं करें। तो पहले जानेंगे कि ये सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप कार को इंजन स्टार्ट करते हैं तो पहला जो मैसेज आपको आता है वो सबसे पहले आता है आपका सीट बेल्ट का, और साथ में आएगा आपका हैंड ब्रेक का या डोर ओपन रहेगा उसका रहेगा। जब आप डोर क्लोज कर लेंगे डोर वाला लाइट चला जाएगा। सेकेंड, जब सीट बेल्ट आप लगा लेंगे सीट वाला लाइट चला जाएगा। थर्ड, जब आप हैंड ब्रेक डाउन कर लेंगे हैंड ब्रेक का लाइट चला जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मोस्टली रियर एवरीडे सबको देखना पड़ता है, ये ज़्यादा आपको इससे एवरीडे आपको दो चार होना पड़ेगा। तो आप समझ ले कि तीन तरह का लाइट मोस्टली आपको देखना पड़ेगा, या डोर, डिक्की, बॉनट कोई भी खुला हुआ है तो आपको जल के दिखाएगा, या गेट खुला हुआ है तो दिखाएगा, या आपका सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है तो बताएगा, या तो फिर हैंड ब्रेक आप खींच कर रखे हैं तो बताएगा। तो इस चीज़ को श्योर हो जाए। उसके बाद कोशिश करें कि जब कार आपका स्टार्ट, आप जब कार को
रन करते हैं, आप बढ़ते हैं, तो टोटल कार का लाइट बंद होना चाहिए, कि किसी भी तरह से कोई भी मैसेज, कोई भी इंडिकेशन नहीं आना चाहिए आपके डैशबोर्ड के ऊपर। अभी न्यूली नया नया कार में बजर सिस्टम दे दिया, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो इंडिकेट करेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड जरूर सीट बेल्ट का उसमें इंडिकेशन रहेगा, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रहेगा, बताएगा आपको इंडिकेटर। उसके बाद स्पीडोमीटर हो गया, उसके बाद उसमें आरपीएम मीटर हो गया, स्पीडोमीटर का आरपीएम मीटर भी बोलते हैं वो हो गया, उसके बाद किलोमीटर हो गया, उसके बाद टेम्परेचर स्विच हो गया, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा जैसा मॉडल है उसके हिसाब से उसमें टोटल इनबिल्ट रहता है। फिर अल्टरनेटर चार्जिंग का हो गया उसमें, तो मोस्टली चार तरह का आपको देखने को मिलेगा, एक दिखा देगा आरपीएम मीटर, एक दिखा देगा किलोमीटर और एक टेम्परेचर मीटर, ये तीन तो मोस्टली देखने को मिलेगा, और चौथा आपका अल्टरनेटर के लिए हो गया उसमें। और जैसे जैसे आपका मॉडल डिफरेंट यानी चेंज होगा मॉडल, उसके हिसाब से कंपनी उसमें इंस्टॉल करके देते रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ मीटर के बारे में जान ले। टेम्परेचर को कभी जो उसका मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कभी बढ़ने नहीं दे टेम्परेचर को, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, टेम्परेचर को कभी आगे नहीं बढ़ने दे। उसके बाद जब आप किलोमीटर जाते हैं, हाई स्पीड में जाते हैं, तो आपको दिखाएगा कि अभी कार आपका 180 के स्पीड में चल रहा है, अभी कार आपका 100 के स्पीड में चल रहा है, आपको दिखाएगा। साथ में आरपीएम दिखाएगा कि अभी आपका एक्सीलेटर, आरपीएम बोलते हैं जो एक्सीलेटर, जो आप पाउंड एक्सीलेटर पे पाउंड डालते हैं, तो वो दिखाएगा कि अभी इतना आपने स्पीड कर दिया, अभी 20 पे कर दिया, 30 पे कर दिया, 40 पे कर दिया, आपका आरपीएम 30 है, 40 है, ऐसे करके वो बताएगा आपको। 60, 70 तक रहता है उसका सेट किया, 80 तक भी रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कार में उसका आरपीएम सेट रहता है, तो वो बताएगा कि भाई आरपीएम इतना हाई हो गया है, मतलब कि आपने एक्सीलेटर इतना हाई कर दिया और किलोमीटर आपका इतना, जितना आरपीएम बढ़ाएंगे उतना स्पीड आपका बढ़ेगा, यानी गियर के हिसाब से रहेगा कि जिस गियर में आप जा रहे हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, उसके हिसाब से आपको बताएगा कि अभी जब फोर्थ गियर में जा रहे हैं तो फोर्थ गियर में 70, 80, 90 ऐसे है, 100 है, 120 है, कितना पे आप जा रहे हो, वो आपको किलोमीटर के स्विच में इंडिकेट करेगा। तो उम्मीद है कि ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको दो सेक्शन आपको कंप्लीट करा दिया, एक स्टीयरिंग से कंप्लीट करवा दिया और दूसरा आपको मीटर से कंप्लीट करवा दिया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर कोई समझ में नहीं हो, तो और ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर पूछें कि हाँ ये चीज़ के बारे में मुझे मालूम नहीं है, हम कोशिश करेंगे उसके सेपरेट वीडियो बना के आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दें। अब अगला चलते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है वो सिस्टम आपका गियर सिस्टम हो गया। आपको देखना है कि आपका कार में कौन सा गियर है, आप ऑटोमेटिक कार तो नहीं तो चला रहे हैं, आप मैनुअल कार तो नहीं चला रहे हैं, तो अगर ऑटोमेटिक कार रहेगा तो किसी में चार गियर होगा, किसी में पाँच गियर होगा, आप देख लें कि कौन सा आप मॉडल चला ड्राइव कर रहे हैं, फर्स्ट गियर हो गया, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और रिवर्स गियर, तो आप देख ले कि उसमें गियर है, तो गियर का एक सेपरेट हमको वीडियो बनाना पड़ेगा आपको टोटल चीज़ बताने के लिए। फिर ऑटोमेटिक गियर में अलग से सिस्टम आता है, पी रहता है, पी फॉर पार्किंग हो जाता है, डी फॉर ड्राइव होता है, इस तरह से उसमें भी सिस्टम रहता है ऑटोमेटिक गियर में, आर फॉर रिवर्स होता है, तीन तरह का उसमें भी सिंबल रहता है, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड और ड्राइव मोड, और इसका एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन आप समझ ले कि इस तरह से उसमें सिस्टम दिया रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक आप जान लें, वो आ गया आप एसी कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम तीन तरह के आपका स्विच दिया रहेगा, एक फ़ैन ऑन करने के लिए, सबसे पहला स्विच फ़ैन ऑन करने के लिए, पंखा चालू करने के लिए, दूसरा जो स्विच रहेगा आपका फ़ैन को एडजस्ट करने के लिए, कि आप एयर को किस मोड में लेना चाहते हैं, आप अपने फेस पे लेना चाहते हैं, आप डैशबोर्ड पे लेके जाना चाहते हैं या कहीं और रखना चाहते हैं, तो वो दूसरा मोड हो गया। और तीसरा मोड हो गया आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आप गर्म हवा लेना चाहते हैं या ठंडा हवा लेना चाहते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद जब नॉर्मल आपका फ़ैन चलाते हैं तो एक फ्रेश एयर लेने के लिए उसमें एग्जॉस्ट सिस्टम रहता है,
उसको बैक कर दे बाहर की, बाहर का एयर टोटल फ्रेश एयर आपको निकाल के, वो जब हाईवे पे आप जाते हैं तो वो बहुत काम का चीज़ रहता है। जब मौसम सुहाना रहता हो तो उस समय उसको एयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एसी का सिस्टम हो गया। एसी का कोशिश करें कि एसी जब भी आप चालू करते हैं तो एसी का जो फ़ैन का है वो कोशिश करें कि वो सेलिंग की तरफ यानी ऊपरी ऊपर की तरफ जाने दें, ना कि आपने फेस पे लें, ऊपर की तरफ जाने दें। कंपनी कहता है कि अगर आपका सेलिंग, आपका टेम्परेचर सेलिंग ऊपर का कूल रहेगा तो टोटल अंदर का कंपार्टमेंट आपका ठंडा रहेगा, कूल रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि आप अपना एसी को, कूलिंग को आप ऊपर की तरफ जाने दें, कि आप अपने फेस पे लें। स्मार्ट ड्राइवर बने कि आपको कार ऑनर समझे कि हाँ इस बंदे को कुछ पता है। अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे फेस पे क्यों नहीं ले रहा है, तो बताना है उनको कि नहीं आप इनको ऊपर जाने दें, इससे आप पूरा टेम्परेचर कूलिंग रहेगा, जब सेलिंग कूल रहेगा तो टोटल ऑटोमेटिक कंपार्टमेंट ठंडा रहेगा। तो ये रहा अभी तक का सब वीडियो। हमने 3 का पार्ट कवर कर दिया। पार्ट 1 कवर कर दिया आपका स्टेयरिंग सिस्टम, पार्ट 2 कवर कर दिया मीटर के अंदर में, डैशबोर्ड के मीटर में, और पार्ट 3 है एसी के बारे में। फिर भी बहुत सारे नए ड्राइवर को एसी के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। ऑटोमेटिक में फ़ैन चलाना, फ़ैन को एडजस्ट करना, उस पर 1, 2, 3, 4 रहता है, उसमें भी मीडियम लो हाई रहता है। तो आप किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फ़ैन को एडजस्ट कर लें। और ध्यान रखें, इसमें सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहते हैं कि एसी को आप कार स्टार्ट करने के बाद कुछ मिनट के बाद ऑन करें, और जब आपको देखना है कि हाँ आप डेस्टिनेशन अपने जगह पे पहुंच गए, उससे 5 मिनट 2 मिनट पहले बंद कर दें। यानी कि कार बंद करने से पहले एसी को आपको बंद करना है, और कार स्टार्ट करने के बाद जब कुछ देर रनिंग कर जाए इंजन, उसके बाद एसी को ऑन करना। ये इम्पोर्टेंट बात है, आप अपने दिमाग में बैठा ले कि जब आप कहीं कार आप देखना है कि हाँ अब हमको यहाँ पहुँच गया, उससे 5 मिनट पहले एसी स्विच ऑफ कर दे, फ़ैन बंद कर दे। इतना कूलिंग रहेगा कि उससे आपका कवर हो जाएगा। बहुतों ड्राइवर को देखा गया है, कार ऑनर को देखा गया है कि डायरेक्ट वो स्विच ना एसी का स्विच बंद करते हैं, ना फ़ैन का स्विच बंद कर, डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है कार में। इसी तरह क्लच जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो क्लच को हमेशा क्लच को दबा के इस्तेमाल करें। क्लच पे पांव रख के कार को नहीं चलाएं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। क्लच पे पांव रख के नहीं चलाएं कार, क्लच जितना रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से चेंज करें, और क्लच को छोड़ दें। हाँ, और फिर ब्रेक भी लेते समय सडनली आप उसी हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। हाँ, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब का पार्ट 2 में फिर हम टोटल एसेसरीज से रिलेटेड नेक्स्ट एसेसरीज, बिल्कुल आपको ये बिगनर से गाइड दे रहे हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको हर चीज़ फ़ोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें टोटल एसेसरीज का नाम लिख दिया गया। अगर मैं आप हमें हमारे बात से कन्फ्यूजन हो तो फ़ोटो देख के और उस पर नाम पढ़ के भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आपको पूरा तरह से हम सपोर्ट करना चाहेंगे। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टोटल एक पर एक टिप्स एंड ट्रिक आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट जो मेरा टाइटल मैंने डाला है एक्सपर्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट स्मार्ट वे में एक्सपर्ट तरीके से। यह कोई ये बिल्कुल एक्सपीरियंस करके ये टोटल चीज़ बताया जा रहा है। ये आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, ये आप जितना मैंने बताया ये कहीं कोई नहीं बताएगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, और कार को ओवर ड्राइव नहीं करें, ओवरलोड नहीं करें, बिल्कुल ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।